कौन कहता है कि यारी बर्बाद करती है, कोई निभाने वाला हो तो दुनिया याद करती है। तो गाइस ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। पूरा दिन हम काफी लंबा सफर करने के बाद शाम के 4 बजे हम पहुँचते हैं श्रीनगर, और शाम को हम घूमने के बहाने निकल जाते हैं निशात गार्डन। और तभी एक दोस्त की फोन कॉल आती है जो कि काजी कुंड का रहने वाला है। वो काफी जिद कर रहा होता है कि आपको मेरे घर आना है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई दोस्त हमें बुलाए और हम जाएं नहीं। तो फाइनली यार के कहने पे हम हो गए तैयार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। तो गाइस इस वक्त हम मौजूद हैं भाई श्रीनगर के अंदर, और आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं भाई काजीकुंड के लिए। तो रास्ते में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, वो सब आपको बताएंगे इस ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं श्रीनगर से काजीकुंड के लिए। तो चलो काजीकुंड को ही एक्सप्लोर करते हैं। गाइस हमें चलते चलते रास्ते में शाम हो गई है, और ये सामने आप देख सकते हैं भाई खूबसूरत सा सनसेट आपको नजर आ रहा होगा। एंड अभी हम लोग इस वक्त पहुंचने वाले हैं काजीकुंड। तो गाइस सुबह हो चुकी है, और अभी हम बालकनी के नज़ारे चेक करते हैं। सामने आपको गार्डन देखने को मिल रहा होगा, और इस तरफ देख सकते हैं आप सेब के गार्डन है भाई। एंड काफ़ी अमेजिंग सा व्यू है गाइस, आप खुद चेक करें। सामने आपको किचन गार्डन देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़बरदस्त जगह है यार। एंड अभी हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अच्छबल गार्डन देखने के लिए। हम लोगों का प्लान था सोनामर्ग जाने का, लेकिन बारिश हो रही है और मौसम भी बिल्कुल ख़राब है, जिसकी वजह से हम सोनामर्ग नहीं जाएंगे, और अभी हम लोग इस वक्त जा रहे हैं अच्छबल गार्डन देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है, तो अभी भाई लोग पेट्रोल पंप आ चुका है, तो यहाँ पर पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हैं, तो उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। एंड आज हम पेट्रोल डलवाने के लिए आए 3-4 दिन के बाद। तो गाइस फाइनली हम लोग भाई पेट्रोल डलवा के यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज हम दूसरी बार कश्मीर के अंदर पेट्रोल डलवा रहे हैं, लेकिन पहली बार तो हमने राजौरी से डलवाया था, तकरीबन 1300 का या 1400 का टैंकी फुल करवाई थी, लेकिन यहाँ से 1500 में टैंकी फुल हुई है, क्योंकि बिल्कुल खाली कर दिया था, 1 लीटर पहले से था, तो 1500 का डलवा दिया भाई, टैंकी एकदम फुल हो चुकी है। तो लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब है गाइस, अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हम लोग इन्जॉय करने के लिए निकले हैं या क्या करने के लिए निकले। एक जुनून है, पैशन है भाई, क्या करें। मतलब जितने दिन हम कश्मीर में आए हमारा एक भी दिन ज़ाया ना हो, और हम डेली व्लॉग करें। तो अभी हम लोग इस वक्त जा रहे हैं भाई अच्छबल की तरफ, एंड रास्ते में कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम लोग इस वक्त आ चुके हैं भाई अच्छबल गार्डन के अंदर। ये मुग़ल गार्डन में से एक गार्डन है, जो कि शाहजहाँ के दौर में से दारा शिकवा ने डिवेल्प किया था। एंड ये देख सकते हैं आप इसका कुछ खूबसूरत सा हिस्सा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है गाइस कि यहाँ पर बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भाई हमें वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे साथ भी जितने लोग आए हुए थे वो ये जो सामने आप देख सकते हैं ये वाली यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, और मैं इस वक्त बारिश में आके वीडियो बना रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे जो चीज़ लगी है ये है भाई, ये देखो ये पानी देखो कितना ज़बरदस्त। इस बाग के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ आपको यही देखने को मिलेगी, एक पानी, दूसरा ये चनार के ये खूबसूरत से दरख्त आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी तक मैंने हेलमेट पहन के रखा है, क्योंकि हेलमेट में एक तो सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है कि भाई बोलने में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि लोग हमारी तरफ नहीं देखते हैं, हम जो भी बोलना चाहते हैं हेलमेट के अंदर बोल सकते हैं। तो गाइस इस गार्डन की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये है अनंतनाग से 9 किलोमीटर की दूरी पर,
अछबल टाउन के अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम भी अछबल गार्डन रखा गया है। एंड गाइस, ये जो सामने आपको बिल्डिंग देखने को मिल रही है जिसके नीचे से पानी होके जा रहा है, दिस पोर्शन ऑफ द गार्डन इज कॉल्ड बागे बेगम आबाद, डेवलप्ड बाई मलिकाए नूर जहान बेगम इन 1616। और यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, खूबसूरत से पानी के वाटरफॉल आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पानी की वजह से ही इस बाग को तामीर किया गया है। एंड गाइस, फाइनली हम लोग अभी गार्डन का विज़िट करके वापस जा रहे हैं, क्योंकि मौसम ठीक हो चुका है। और हमारे साथ है इस वक्त आमिर भाई एंड अबरार भाई। आमिर भाई जो कि आपको वाइट कपड़ों में नज़र आ रहे होंगे, हम रात को इनके घर पे रुके थे। तो फाइनली गाइस, हम लोग अंदर से घूम के वापस आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं भाई लोग, क्योंकि बारिश रुक चुकी है, तो यही मौका है हमें यहाँ से वापस निकलने का। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ आमिर भाई और अबरार भाई को, किस तरफ चले गए वो। ये है भाई अछबल का बाज़ार, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बल्कि जैसे एक ब्लॉक के अंदर होती है ना, उतनी है। एंड ये पहाड़ आप देखें पीछे भाई, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैंने इनको मना किया था कि सुबह हम चलेंगे किसी ऐसी जगह पे जो खुली जगह हो, पहाड़ी हो, ऊंची जगह हो, तो वहाँ पे घूमने का मज़ा ही अलग होता है। बाकी पार्क वार्क में मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मतलब घूमना या वहाँ पे देखने के लिए जाना, लेकिन मैं आपके लिए आया गाइस कि आपको दिखाई देते हैं अछबल पार्क कैसी है। फैमिली के लिए अच्छा होता है, और जो व्लॉगर होते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। एंड भाई, मौसम माशाल्लाह साफ़ हो चुका है, और कितना प्यारा और सुंदर सा मौसम हो चुका है भाई, तो मज़ा आ रहा है यार। तो गाइस, व्लॉग का एंड करने से पहले मुझे एक शेर याद आ गया, वो शेर है ना कि मंजिल की इंतहा तो कोई बताए, चला जा रहा हूँ और हसरतें बढ़ती जा रही हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।